कोरोना के संभावित खतरे के मद्देनजर और वाहन चालकों की मनमानी के विरोध पर अब जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग के द्वारा सघन जांच अभियान की शुरुआत की गई। पूरे जिले में विभिन्न जगहों पर जहां भी नियमों की अनदेखी कर क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर चलने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने आर्थिक रूप से दंडित किया और आगे के लिए उन्हें चेतावनी दी। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि अभी ये सघन जांच अभियान पूरे बिहार में चल रहा है और इसमें ऐसे वाहनों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया है जो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं करते हुए क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर और अत्यधिक शुल्क की वसूली करते हैं। पर लोग का ले रहा है दूसरा क्या कि जरूरत से ज़्यादा जो भाड़ा लिया जा रहा है उसकी वजह में चेकिंग है। सर कहाँ कहाँ ये मुहिम चल रहा है जिला में? ये पूरे बिहार में अभी चल रहा है जी, हर एक जिला में जी, इसकी लगातार होती रहती है। कंट्रोल रूम के आदेशानुसार हम लोगों को व्हाट्सअप आता है कि इस दिन स्पेशल ड्राइव चलाना जी, तीन दिन लगातार ये चली, कल चला है, आज चलेगा, कल चलेगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया है। अब सवारी वाहनों में 50% से अधिक यात्री बैठने वालों पर कार्रवाई कर उनसे 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी नहीं माने तो वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।